Dear students of class 4th, I am continuing my lecture on your chapter number 11, Weather, Air and Water. In my last lectures, I told you about the define of weather and some weather phenomena. Now I am explaining you about air and the phenomena related to air. There is a thick layer of air around the earth. The air contains various gases, dust particle, water vapor, smoke and germs. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. देखो हमारे अर्थ के चारों ओर जो है वो थिक लेयर ऑफ एयर है. अर्थ के चारों ओर एक एटमोसफियर है जो थिक लेयर ऑफ एयर से बना हुआ है. ठीक है, इस एयर के अंदर हमारी अलग अलग तरह की गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर हैं, स्मोक है, जम्स हैं. ठीक है, दे ऑल फॉर्म एयर. ये सब एयर का पार्ट है. और जब हमारी एयर चलती है, मूव करती हुई फील होती है, एयर तो है, मूव भी करती है, लेकिन जब थोड़ी तेजी से चलती है और हमें वो फील होती है तो हम उस मूविंग एयर को विंड बोल देते हैं. अब स्लाइड की फोटो के अंदर देखो एटमोस्फेरिक लेयर अराउंड द अर्थ दिखाया हुआ है. एयर की अलग अलग लेयर्स हैं. ठीक है, एयर की अलग अलग लेयर हैं. जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड लास्ट है एक्सोस्फियर. जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो आपके एयर का अमाउंट अलग अलग होता जाता है, मतलब कम होता जाता है. एज वी गो हाई अप टू द हाई अप फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, द लेयर ऑफ द एयर बिकम्स थिनर. एयर की लेयर थिनर होती जाती है. इसी हिसाब से ही हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है इन द एटमोस्फेरिक लेयर विच आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. वट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. ठीक है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को अब एक्सप्लेन करेंगे. सी ब्रीज पहले बता रही हूँ. ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड क्विकली. इट हीट्स अप द एयर अबव इट. एज द हॉट एयर इज लाइटर इट राइजेज अप इन द स्काई. बट द वॉटर इन द सी डज नॉट गेट सो मच हीटेड. देखो आप जब डे टाइम होता है तो लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो हीटअप हो जाती है. ठीक है, लैंड के ऊपर की एयर हीटअप हो जाती है और हीटअप होने की वजह से वो लाइटर हो जाती है. हॉट एयर जो होती है वो हल्की होती है. हल्की होने की वजह से इट राइजेज अप इन द स्काई, वो स्काई में राइज अप करती है. ठीक है, राइज अप करती है. और जो सी के ऊपर की हवा होती है वो इतनी क्विकली जो होती है वो हीटअप नहीं हो पाती. ठीक है, द वाटर द बट द वाटर इन द सी डज नॉट गेट हीटेड क्विकली. जब वाटर इन द सी डज नॉट गेट हीटेड अप क्विकली होगा, जबकि लैंड के ऊपर की एयर जो होगी वो हॉट अप हो जाएगी. दिन के टाइम जब सन निकलता है तो लैंड के ऊपर की एयर हीटअप हो जाती है, बड़ी जल्दी हीटअप हो जाती है. और हीटअप होने की वजह से क्या हो जाती है, लाइटर हो जाती है. हॉट एयर जो होती है वो कंपेरेटिवली लाइटर होती है. और लाइटअप होके क्या करेगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी. जबकि जो सी के ऊपर का पानी होगा, वाटर होगा, वो हॉटअप नहीं हो पाएगा इतनी क्विकली. तो उस ऑटोमेटिकली उसके ऊपर की जो एयर होगी वो भी इतनी हॉटअप नहीं हो पाएगी, क्योंकि वाटर ही हॉटअप नहीं हुआ तो एयर भी उसके ऊपर की हॉटअप नहीं हो पाएगी. ठीक है, देखो स्लाइड की फोटो के अंदर देखो आप लैंड के ऊपर की एयर आपको एरो से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई हुई है. ठीक है, द एयर अबव द लैंड दैट गेट हीटेड अप क्विकली राइज अप एज बींग लाइटर. लाइटर होने की वजह से वो एयर लाइटअप होने की वजह से वो एयर जो होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, राइज अप करेगी. और जो सी के ऊपर की एयर होगी, क्योंकि वाटर जल्दी हॉटअप नहीं हुआ तो वो एयर भी हॉटअप नहीं होगी, तो वहाँ की एयर आपको लैंड की तरफ मूव करती हुई दिखाई हुई है. So the air above it is cold. The cold air from the sea rushes to occupy the space of the warm air. This cool breeze blowing towards the land from the sea during the day is called sea breeze. अब जब सी के ऊपर की एयर हॉट अप नहीं हो पाई तो मतलब वो कोल्ड अप एयर है, वो ठंडी है. ठीक है, और जबकि लैंड के ऊपर की एयर जो हॉट अप हो गई है वो राइज अप कर गई है. अब वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. वहां जहां पर कोई हवा नहीं होती उसे बोलते हैं वैक्यूम. ठीक है, अब वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जो सी के ऊपर की एयर होगी वो
उस जगह को लेने की कोशिश करेगी, रशेस टू ऑक्यूपाई द स्पेस, वो रश करेगी टूवर्ड्स द लैंड टू ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द वार्मर एयर। जो एयर वार्म अप होकर ऊपर उठ चुकी है उसकी जगह लेने की कोशिश करेगी कोल्ड एयर अबव द वाटर, और इस तरह से कोल्ड ब्रीज ब्रिंग ब्लोइंग टूवर्ड्स द फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी, सॉरी टूवर्ड्स द लैंड फ्रॉम द सी, ठीक है, दिस इज नोन एज सी ब्रीज। तो जो कोल्ड एयर होगी, ठीक है, वो सी के ऊपर से लैंड की तरफ जाएगी, ब्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड फ्रॉम द सी, सी से जाती हुई कहाँ पर जाएगी, लैंड की तरफ जाएगी, क्योंकि लैंड के ऊपर जो है वो होटअप एयर थी जो कि ऊपर उठ चुकी है, तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो कोल्ड एयर जो होगी, कोल्ड एयर का काम क्या होता है, वार्म अप एयर जो ऊपर उठ चुकी है उसका स्थान लेने का। तो इस तरह से एक कूल ब्रीज चल पड़ेगी, ठीक है, जो सी से लैंड की तरफ जाएगी, टूवर्ड्स द लैंड, दिस इज नोन एज सी ब्रीज। नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, अब रात को उल्टा हो जाता है, जो चीजें गर्म हुई हैं वो ठंडी होंगी, ठीक है, तो जो लैंड कूल डाउन हो जाएगा क्विकली, जो आपका लैंड होगा रात को जब सन सेट हो चुका होगा, तो जो आपके लैंड के ऊपर की एयर होगी वो जल्दी कूल डाउन हो जाएगी, क्योंकि लैंड कूल डाउन हो जाएगा तो उसके ऊपर की एयर भी कूल डाउन हो जाएगी। जबकि जो वाटर अब होटअप हो चुका है सी का, ठीक है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वो क्विकली हुआ था सी ब्रीज में, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वाटर होगा वो होटअप होगा ही नहीं, वो होता है लेकिन देर से होता है, ठीक है, तो वाटर इन द सी जो होगा वो वार्मर हो चुका होगा और जल्दी से अपनी हीट को लूज नहीं करेगा। तो वाटर टेक्स टाइम टू कूल डाउन एज वेल एज टू गेट वार्मर, जैसे उसे गर्म होने में टाइम लगता है ना पानी को, ऐसे ठंडा होने में भी टाइम लगता है। अब जब पानी ठंडा नहीं हुआ तो उसके ऊपर की एयर भी वार्मर है, तो उसके ऊपर की एयर वार्मर है तो वार्मर होके क्या होगी, लाइट होगी, लाइट होके राइज अप करेगी। तो लैंड के ऊपर की जो एयर होगी जो कूल डाउन हो चुकी है वो उस वैक्यूम को भरने के लिए जाएगी, जो कि वाटर के ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है क्योंकि उसके ऊपर की हवा ऊपर उठ चुकी है। टू फिल दैट स्पेस द लैंड ब्रीज गेट स्टार्टेड। अब देखो स्लाइड की फोटो में क्या दिखाया हुआ है कि जो वाटर के ऊपर की एयर है जो कूल डाउन हो ही नहीं पाई रात को, वार्मर है, ठीक है, होट अप होने की वजह से, लाइट अप होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है, अब वहाँ पर जो है वो वैक्यूम क्रिएट हो गया क्योंकि वहाँ की जो एयर है वो ऊपर की तरफ उठ रही है, कौन सी हवा, जो वाटर के ऊपर है। तो लैंड जो अभी आपका कूल डाउन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी वो होट अप होता है उतनी जल्दी वो कूल डाउन भी होता है, वो अपनी हीट उतनी जल्दी लूज भी कर लेता है लैंड, तो लैंड के ऊपर की एयर कूल्ड है, तो वो कोल्ड एयर जो होगी लैंड से सी की तरफ ब्लो करना शुरू कर देगी। द कोल्ड एयर बींग स्टार्टेड फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी इज नोन एज लैंड ब्रीज। कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड रशेस टू ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द वार्म एयर। तो इस तरह से जो लैंड के ऊपर की ठंडी हवा होगी वो वाटर के ऊपर जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है, जो स्पेस क्रिएट हो गया, उसको लेने के लिए जाएगी, ठीक है। सो अ कोल्ड ब्रीज बींग स्टार्टेड फ्रॉम द लैंड टू द सी ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो नाइट टाइम में जो है वो लैंड ब्रीज चलती है जो लैंड से सी की तरफ जाती है, सो इट इज सेड टू बी लैंड ब्रीज। नाउ योर लेक्चर इज ओवर, यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल by drawing the diagram of sea breeze and land breeze and also write them, learn them and write them. और diagram बना के आप मेरे पास send करोगे as a homework, और problem आने पर share करना। Okay, thank you.